नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के बलरियागंज थाना क्षेत्र के सरैया स्थित शराब के ठेके के सामने शाम को शराब खरीदने और पीने को लेकर दो गुटों में आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष के बीच लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दिया। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रविवार को आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग पर सरैया में स्थित देसी शराब की दुकान है। प्रतिदिन की तरह शराब की दुकान खुली थी और लोग शराब ले रहे थे। शाम को शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए पहुंचे, तभी वहां एक दूसरा व्यक्ति भी शराब लेने के लिए पहले वाले व्यक्ति के साइड पर शराब लेने के लिए सेल्समैन को रुपए थमा दिया। इससे आक्रोशित पहले वाला व्यक्ति दूसरे पर आग बबूला हो गया। उसके बाद इसका विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। यह देखकर सड़क पर खड़े उनके साथी भी वहां पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और लाठी डंडे चलने लगे। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मारपीट के चलते कुछ देर के लिए आजमगढ़ बिलरियागंज मार्ग पर जाम भी रहा। सूचना के बाद पुलिस ने 3 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।